असम में सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी के लिए अब राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी। राज्य के हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है। सरकार ने इसे फौरन लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्र की मदद से राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में 3000 आंगनवाड़ी सेविकाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नत करेगी। मिर्जापुर जिले के संतनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अनियंत्रित होकर एक बस के पलट जाने से 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 26 लोग घायल हो गए। एक प्रशासनिक अधिकारी ने यह जानकारी दी। आईटी कंपनी इंफोसिस के को फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति की सलाह है कि देश का युवा हर रोज करीब 12 घंटे काम करे ताकि भारत तेजी से तरक्की करे। कानपुर में एक निजी स्कूल के बाहर 10वीं के छात्र ने अपने टीचर पर गोली चला दी। टीचर के गले पर गोली के छर्रे लगे हैं, साथ ही एक 10वीं क्लास की छात्रा भी घायल हुई है। ओडिशा के भद्रक जिले में 14 वर्षीय एक लड़की ने अपने घायल पिता को जिला मुख्यालय अस्पताल तक ले जाने के लिए 35 किलोमीटर की दूरी तक पैडल मारकर ट्रॉली रिक्शा चलाया। पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा अकारण की जा रही गोलीबारी के कारण जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांव में दर्जनों शादियां प्रभावित हुई और मजबूरी में विवाह से जुड़े रीति रिवाजों में अंतिम समय में कुछ बदलाव करने पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने यह आयोजित प्रदर्शनी का भी मुआयना किया। कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व 9 सैनिकों की मौत की सजा सुनाई है। ये एक वर्ष से कतर की जेलों में कैद है। कतर सरकार ने इन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है और इसका बड़ा कारण है एयरलाइन पर मौजूद पाकिस्तान स्टेट फ्यूल का बकाया।